बिजनौर खबर टीवी में आपके सो आ गए थे। पत्नी ने पति को शराब पीने को किया मना, तो पति ने गला काट कर उतारा मौत के घाट। दरअसल आपको बता दें कि पूरा मामला बिजनौर के मंडावर द्वारिकापुरी का है, जहां पर एक शराबी पति ने पत्नी को उतारा मौत के घाट। प्राप्त जानकारी के अनुसार शराबी पति विजेंद्र ने अपनी पत्नी नीलम को फरसे से काट कर उतारा मौत के घाट। गाँव वालों का कहना है कि विजेंद्र रोज शराब पीने का आदि था। रात पत्नी ने शराब पीकर आने पर काफी आपत्ति जताई। इस बात पर पति विजेंद्र को गुस्सा आ गया और उसने पास में रखे फरसे से पत्नी नीलम पर कई बार वार कर मौत के घाट उतार दिया, जिसमें नीलम की गर्दन और हाथ आदि पर धारदार चोट के निशान हैं। मौके पर मंडावर पुलिस पहुंची और मृतक नीलम का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। शराबी पति मौके से हुआ फरार, पुलिस फरार पति की तलाश में जुटी। मेरा नाम नेपा, बताइए क्या घटना हुई? घटना बाबूजी, मैं तो चौकीदारी करूँगी किरतपुर, अब मैं घर है नहीं था। इनमें कई दिन से पी खा कर विवाद सा चल रहा था कुछ, मैं भी समझा गया, मैं कहा ऐसा ना कर करते बेटे। अब मैं होता तो रात में पी खा गई ना, कैप्सूल भी खा पोता, शराब भी पी होता और वारदात कर दी। कैसे की बात है? धारदार हथियार से ही करी, जब मैंने हमने आकर देखा उसके गले को। फिर उसको आप लड़की को लेकर गए कहीं अस्पताल वगैरह कहीं? जब आपने देख लिया तो जब ही फोन कर दिया भाई साहब ने हमारे, अब जब ही लेकर चले गए, जब पुलिस आ जाएगी तो फिर वो पुलिस पहुंच गई, फिर उन्होंने अपने उसमें ले लिया। क्या चाहते हैं बाबू जी? हम तो न्याय चाह हो, जिसने करा उसके सिर पड़ो, चाहे मेरा लौंडा हो कोई, और है ही लौंडा मेरा, सही बात तो उसने मारा, तो मैं तो उसका दर्शन भी देखना नहीं चाहता। क्या क्या बच्चे हैं इसके? तुम्हारे लड़के? दो बच्चे, एक लड़का एक लड़की। क्या होगा इन बच्चों का? दो मासूम बच्चे लग रहे हैं बच्ची, जब तक अपने हाथ पांव चल रहे हैं जब तक हम करेंगे जो कुछ भी हो। मेरा नाम राजवीर। अच्छा बताइए, जो पति ने पत्नी की गला काट के हत्या की है, क्या है पूरा मामला? वो ना शराब पी रखी थी, पता नहीं उन आपस में क्या विवाद है, वह शराब के नशे में मामला काम कर दिया उसका। किसका? अपनी पत्नी का। पहले भी कभी झगड़े वगैरह हुए इनमें? हाँ, पी खा कर पहले भी हुए उनका। कोई शिकायत की थी इनके लड़की के घर वालों ने? कोई कभी शिकायत की? वो लड़की ले गए एक दो बार, फिर वो समझौता हो जाता है जमते। कहाँ है जिसने मर्डर कराए, कत्ल? वो इस पर फरार है। पुलिस से बात हुई आपकी? पुलिस के लिए? हाँ, पुलिस से है, पुलिस ढूंढ रही है और उनके गांव वाले भी ढूंढ रहे हैं।